तुम हो हिंदू, हम हो हिंदू, हम हैं हिंदू 100 करोड़, देंगे उनको तोड़ मरोड़, हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, कहाँ से आया मुसलमान, भेजो उनको पाकिस्तान, वरना मारो इनकी जान, भेज दो कब्रिस्तान, तब हमारे लोग कहते हैं जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे साथ में कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सावित्री बाई फुले जी उपस्थित हैं। हम बात करेंगे विधानसभा आगामी चुनाव जो होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर बात करेंगे कि 2022 में चुनाव होने वाले हैं उसको किस नज़र से देखते हैं माननीय सावित्री बाई फुले जी। तो आपकी क्या राय है 2022 की चुनाव को लेकर? देखिए 2022 में बीजेपी को रोकने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में मैं काम कर रही हूँ। भाजपा हटाओ संविधान बचाओ महाआंदोलन मैं कर रही हूँ 26 नवंबर 2021 को, और लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में रैली होगी, और उस रैली में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों से हमारे बहुजन मूल निवासी समाज के लोग एकत्रित होंगे, और बीजेपी को हटाने के लिए हम लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। बीजेपी को रोकने के लिए हम विकल्प भी बन सकते हैं और हम विकल्प से समझौता भी कर सकते हैं। अच्छा, देखा जाए तो समझौता के लिए क्या किसी पार्टी से हाथ मिलाएंगे क्या? ये इसकी घोषणा हम 26 नवंबर 2021 को लखनऊ में करूंगी, और उस मंच पर बहुजन समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग वहाँ उपस्थित होंगे, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लंदन में रह करके पढ़ाई कर रहे थे, बाबा साहब का जिन लोगों ने सहयोग किया लंदन से चल करके वो हमारे बीच में आ रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी के पोता हैं प्रकाश अंबेडकर जी, वो भी उस मंच पर होंगे। माननीय कांशीराम साहब की बहन स्वर्ण कौर जी भी उस मंच पर होंगी, और तमाम सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन के लोग भी उस मंच पर होंगे। बीजेपी को रोकने के लिए हम कोई भी विकल्प के साथ खड़ी हो सकती हूँ। अच्छा अच्छा, सुनने में आया है कि आपका जो मुलाकात अखिलेश यादव से हो चुकी है। देखिए हम तो सभी बहुजन समाज के नेताओं से मैं बात कर रही हूँ, लगातार हमारा संपर्क हो रहा है। मैं पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से अपील करूँगी, और ख़ासकर 2022 में बीजेपी को रोकने के लिए मैं बहुजन समाज के सभी नेताओं से मैं संपर्क करके मैं अपील कर रही हूं कि सबको एकजुट हो जाना चाहिए। अगर 2022 में हम बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे तो 2024 में हम बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। अगर 2024 हम नहीं रोक पाएंगे तो हमारा भारत का संविधान और बहुजन की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। हमारा कोई ईगो नहीं है, हम बहुजन समाज को आज़ाद कराने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए हम विकल्प बन भी सकते हैं, और कोई भी विकल्प से हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। वो निर्णय हम 26 नवंबर को ही मंच से घोषणा करेंगे। अभी हाल ही में जो है मायावती लगातार ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हैं, और माननीय कांशीराम साहब का जो फंडा था 1585 का, उस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए जब जब बहुजन समाज बना है तब तब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकार बनी है। अब बहुजन समाज ना बना करके अब वो सर्व समाज बनाना चाहती हैं। हमारा संविधान की जो प्रतियां जलाई गई दिल्ली में वो कौन लोग जलाए? ब्राह्मण समाज के लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी। आज आरक्षण का विरोध वो कौन लोग है कर रहे हैं? आरक्षण का विरोध जो बहुजन समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में दिया है, वो आरक्षण को ख़त्म करने का काम कौन कर रहा है? ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों को हीन भावना से देखने का काम ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने संविधान, जो लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं, बहुजन को मिटाना चाहते हैं, बहुजन की आज़ादी को मिटाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था उस सपना को पूरा ना करके उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। चाहे वो तथागत गौतम बुद्ध जी रहे हों, चाहे वो बाबा साहब रहे हों, और चाहे वो मानवर कांशीराम साहब रहे हों। मानवर कांशीराम साहब जी हमेशा 1585 की लड़ाई लड़ी, बहुजन समाज पार्टी बनाकर बहुजन समाज के हित के लिए, बहुजन समाज के सुख के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।
अपने जीवन तक उन्होंने न्यौछावर कर दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। जो उनका मिशन है, जो उनका कारवा है, उसका मिशन से समझौता किया जा रहा है, कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपने जेल जाने से बचने के लिए, तो वो तो बच जाएंगी, लेकिन हमारा बहुजन समाज नहीं बचेगा, हमारा संविधान नहीं बचेगा। हमको चेहरा नहीं चाहिए, हमको मिशन चाहिए, हमको विचारधारा चाहिए। जहां हमारा मिशन सुरक्षित रहेगा, हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा, तो संविधान के लिए, बहुजन समाज की आज़ादी के लिए हमारा बहुजन समाज कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार रहा है और हमेशा तत्पर रहेगा। आज माननीय कांशीराम साहब जी नहीं हैं। माननीय कांशीराम साहब जी का जब मिशन मैंने देखा कि रुकता जा रहा है, जो उनकी विचारधारा थी वो विचारधारा रुकती जा रही है, तो माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा जिंदा रहे, माननीय कांशीराम साहब जिंदा रहें, माननीय कांशीराम साहब जी का जो आंदोलन है वो आंदोलन जिंदा रहे, इसके लिए मैंने कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी बना करके और मैं बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रही हूं। और जो माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा थी, उनको विचारधारा को जिंदा रखने के लिए और जो उन्होंने बहुजन समाज की बात की थी, उस बहुजन समाज की आज़ादी के लिए मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक मैं संघर्ष करती रहूंगी। और माननीय कांशीराम साहब ने जो आशा के साथ जो उन्होंने बहुजन समाज बना करके और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन करके दिखाया था, निश्चित रूप से उन्होंने कहा था कि हम इस देश के हुक्मरान हैं और फिर हुक्मरान बनेंगे, तो हमारा बहुजन समाज जब जब जगा है तब तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकार बनी है और अब बहुजन समाज फिर जगने जा रहा है। 2022 में हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हटाने के लिए हम लोग सारी प्लानिंग कर रहे हैं और निश्चित रूप से भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ, बहुजन आंदोलन करके हम समाज को एकत्रित करके और बीजेपी को हटाने के लिए सरकार बनाने का काम करेंगे। हम इस देश के हुक्मरान थे, हम इस देश के हुक्मरान फिर बनेंगे, इसकी तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में मैं कर रही हूं और निश्चित रूप से 26 नवंबर 2021 को आप कांशीराम ईश्वरति उपवन के फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। उस मंच पर सारे बहुजन समाज के नेता ही होंगे और उसी मंच से ऐलान होगा कि इस देश में बहुजन समाज के ही व्यक्ति उत्तर प्रदेश को कब्जा करने का काम करेंगे, इसकी तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। अभी जो है बहुत पहले से ही किसान आंदोलन चला आ रहा है और सरकार अनदेखा कर रही है, उस पर क्या विचार है? देखिए, आज की तारीख में बीजेपी आरएसएस की सरकार बहुत बारीकी से संविधान में दिए गए कानून को समाप्त कर रही है, चाहे वो कृषि कानून बिल हो, चाहे वो नागरिक बिल हो, चाहे वो तमाम विभाग को प्राइवेट करके और हमारे बहुजन समाज के अधिकार को छीन रही है। लोगों ने इतना बड़ा विश्वासघात जो हमारे बहुजन समाज के साथ में हुआ है, ये आरएसएस बीजेपी की सरकार में जब चुनाव आता है तो चुनाव के मौके पर कहते हैं तुमहू हिंदू हमहू हिंदू, हम हैं हिंदू 100 करोड़, देंगे उनको तोड़ मरोड़, हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, कहाँ से आया मुसलमान, भेजो उनको पाकिस्तान, वरना मारो इनकी जान, भेज दो कब्रिस्तान, तब हमारे लोग कहते हैं जय श्री राम। हमारे लोग समझ नहीं पाते, हमारा दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज ये समझ नहीं पाता। जब चुनाव आता है तो हिंदू बना करके हमारे वोट को गुमराह करके ले लिया जाता है, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ा करके, तो कभी भारत पाकिस्तान, तो कभी हिंदू मुस्लिम करके हमारे समाज के लोगों का को गुमराह करके उनके वोट को ले करके आज उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जो किसान बड़े पैमाने पर अपना वोट दे करके और बीजेपी की सरकार बनाया था, और उस समय बीजेपी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, हम सबका साथ लेकर चलेंगे और सबका हम विकास करेंगे, लेकिन जब से बीजेपी आरएसएस की सरकार केंद्र में आई है तब से लगातार चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो हमारे बहुजन समाज के लोग हों, सबका अधिकार बहुत बारीकी से समाप्त करती जा रही है। कृषि कानून बिल लागू करके हमारे जो बहुजन समाज का जो अधिकार था वो अधिकार को भी छीनने का काम किया, सब तमाम विभाग को प्राइवेट करके हमारे बहुजन समाज के नौकरी छीन ली गई, आरक्षण के तहत जो उनको लाभ मिलता था सब उससे छीन लिया गया, और तमाम घटनाएं बहुजन समाज के साथ जघन्य घटनाएं हो रही हैं जिसको लेकर के सरकार बीजेपी आरएसएस की सरकार के आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। जहां पर कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही पर बड़े पैमाने पर हमारी माँ बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, निरंतर घटनाएं घट रही हैं। अगर इसका भी कोई जिम्मेदार है तो हमारे बहुजन समाज के नेता हैं।
इसलिए नेता हैं कि हमारे जो बहुजन समाज के नेता हैं जो उभर करके काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए, सांसद विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वो बीजेपी से अंदर से समझौता करके काम कर रहे हैं, जिसके कारण आज बीजेपी आरएसएस की सरकार कितनी हिम्मत पड़ी कि आज वो हमारे कानून को, अधिकार को ख़त्म कर रहे हैं। अगर माननीय कांशीराम साहब आज जिंदा होते तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ती। कांशीराम साहब जब दिल्ली से लखनऊ के लिए चलते थे तो बीजेपी हिल जाती थी, सरकार हिल जाती थी, कांग्रेस पार्टी हिल जाती थी, लेकिन आज कांशीराम साहब के ना रहने के बाद हमारे बहुजन समाज के लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिन नेताओं पर उन्होंने भरोसा किया था, आज वो नेता उनके साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। आज हमारा समाज मायूस होकर के घर पे बैठा हुआ है कि जिन नेताओं पर हमने भरोसा किया था, जिन नेताओं को हम आगे लाने का काम किए थे, जिस पार्टी को हमने मजबूत करने का काम किया था, वो व्यक्ति आज चंद वोट के लिए, चंद स्वार्थ के लिए, जो हमारा संविधान को खतरे में डालने का काम कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है और हमारे बहुजन समाज के लोगों को पीछे धकेलने का काम कर रही है, उनके भविष्य को खतरे में डालने का काम कर रही है। कृषि कानून बिल पास करा करके हमारे किसान भाइयों के कमर को तोड़ने का काम किया है आरएसएस बीजेपी की सरकार। निश्चित रूप से आने वाले 2022 के चुनाव में किसान हो, गरीब हो, कमजोर हो, लाचार हो, बेसहारा हो, बेरोजगार हो, सारे लोग एकजुट होकर के बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए हमारा बहुजन समाज अब तैयार हो चुका है। समय का इंतजार है, निश्चित रूप से 2022 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम लोगों ने पूरा कमर कस लिया है और 2022 में बीजेपी को सत्ता से हटा करके हम उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे और सरकार बनाकर बहुजन समाज के लोगों को हम आज़ाद कराने का काम करेंगे। लगातार जो है ट्विटर और फेसबुक पे मुझे पढ़ने को मिला कि चंद्रशेखर और सावित्री बाई फुले जी अगर गठबंधन करती हैं तो कैसा रहेगा, ये मुझे जो है पढ़ने को मिला था, तो आपकी क्या? देखिए, बहुजन समाज के लोगों को सभी को इकट्ठा हो जाना चाहिए। मैं तो बार बार कहती हूँ कि अगर वास्तव में आप नेता हैं और समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं तो वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ करना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। समाज तो भली निगाहों से देखता है लेकिन कहीं ना कहीं बैक साइड में कहीं प्लानिंग के साथ समाज के साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। आखिर नेता एक नहीं हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? फिर वो जनता को इकट्ठा करने की बात क्यों करते? जब वो नेता नहीं इकट्ठा हो सकते तो फिर जनता को इकट्ठा करने की बात क्यों करते? और भौकाल बनाना, टीवी पे छाया रहना, पेपर में छाया रहना, व्हाट्सएप ट्विटर पे छाया रहना, माननीय कांशीराम साहब तो कहा करते थे कि बहुजन समाज का व्यक्ति अगर है और वो मीडिया उसको अगर हाईलाइट करती है तो समझ लो कि वो बहुजन समाज का व्यक्ति नहीं है। ये मेरा शब्द नहीं है, ये माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे। चूँकि ये मीडिया हमारी नहीं है, ये तो रवीश कुमार जी वो भी मीडिया से हैं, वो तो खुद कहते हैं गोदी मीडिया है, ये आरएसएस की मीडिया है, ये बीजेपी की मीडिया है, ये सरकार की मीडिया बन करके रह गई है। और मीडिया अगर कहीं उछाल रही है तो ये कहीं ना कहीं साजिश है, ये समाज के लोगों को भ्रमित करने के लिए, बहुजन समाज को भ्रमित करने के लिए ये कहीं ना कहीं प्लानिंग हो रही है। आखिर में चंद्रशेखर आज़ाद जी को इतना मीडिया हाईलाइट कर रही है, हम लोगों को क्यों नहीं हाईलाइट कर रही है? क्या कारण है? इसलिए कि हम लोग बहुजन की बात करते, हम इनसे समझौता नहीं कर सकते, हम इनके दबाव में नहीं आ सकते, हम इनके धमकी में नहीं आ सकते, हम इनके लालच में नहीं आ सकते। लेकिन अगर कहीं हाईलाइट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पर हाईलाइट किया जा रहा है, या जब चंद्रशेखर आज़ाद जी जब जेल में थे तो मैं उनसे मिलने के लिए, उनको बचाने के लिए मैं जेल गई थी, इसलिए कि वो हमारे बहुजन समाज के बंदा है, वो बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, इसलिए मैं जेल में मिलने के लिए गई थी। और जब वो जेल में थे तो जेल से उनको छुड़ाने के लिए मैं राष्ट्रपति से मिलने के लिए गई थी। राष्ट्रपति से मिल करके मैंने उस समय गुहार लगाया था कि हमारे बहुजन समाज का बंदा है और उसको फर्जी मुकदमे में जेल भेजा गया है, उसे जेल से बाहर निकाला जाए और जेल में है उसकी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। मैं राष्ट्रपति से भी मिली, लोकसभा में मैंने जीरो ओवर में हमने लोकसभा में भी उठाया। और जब मुझे पता चला कि जेल में चंद्रशेखर का उत्पीड़न हो रहा है तो मैं जेल में जा करके उनसे मिलने के लिए गई थी और वहाँ पर भी मैंने जेलर से मिल करके मैंने कहा कि
हमारा भाई है, किसी भी प्रकार का उसके साथ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। यही नहीं, जब वो जेल में थे तो उनकी माँ, उनके भाई हम लोगों से चंदा मांगने के लिए आए थे, हमने उनको छुड़ाने के लिए चंदा भी दिया था, ये समझ कर कि मेरा भाई है, हमारा समाज का बनता, हमारा बहुजन समाज का बनता है, हम लोग छुड़ाने के लिए, हम लोग लेकर छुड़ाने के लिए काम किया है, हम बचाने का काम किया है। लेकिन आज वो हमारा भाई अगर आगे बढ़ गया है तो वो ये सोच रहा है कि अब हमारे अलावा कोई नहीं है, सब कुछ हम ही है, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। मानवर कांसी राम साहब जी सबको लेकर चलने का काम किए थे, एक दूसरे का सुझाव मानने का काम करते थे, एक दूसरे के साथ बैठने का काम करते थे। जहां माननीय मुलायम सिंह के साथ बैठकर के मानवर कांसी राम साहब जी राय मशवरा करके बहुजन समाज को बचाने का काम करते थे, लालू प्रसाद यादव से मानवर कांसी राम साहब जी मिलते थे, शरद यादव से मानवर कांसी राम साहब मिलते थे, हमारे बहुजन समाज के नेताओं से मिल करके और बहुजन समाज को बचाने के लिए सदैव संघर्ष करते रहे। वो लड़ाई होनी चाहिए, किसी के प्लानिंग के लिए आरएसएस और कांग्रेस के गोद में खेल करके स्वार्थ में आकर के सांसद विधायक बनने के लिए कुर्सी के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष भाव से बहुजन समाज को आज़ाद कराने के लिए हम सभी बहुजन मूल निवासी को एकजुट हो जाना चाहिए। आइए, मैं भी चाहती हूँ कि हम सभी जितने हमारे बहुजन समाज के लोग हों, बड़ी वफादारी, बड़ी ईमानदारी, बड़ी लगन, बड़ी त्याग करके, अपना ईगो खत्म करके और सबको एकजुट हो जाना चाहिए। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक बीजेपी को रोकना इतना आसान नहीं है, लेकिन स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। स्वार्थ बस अगर आओगे तो समाज को, तुम तो आज़ाद हो सकते हो लेकिन हमारा समाज को गुलामी के पीछे ना ले जाओ। स्वार्थ के लिए आप हमारे समाज के लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश मत करो। ये समाज जिस दिन समझ जाएगा, जग जाएगा, उस दिन बहुत दूर हो जाओगे। इसलिए समाज के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, समाज को विश्वास में लेकर के सभी बहुजन समाज के नेताओं को एकजुट हो जाना चाहिए, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो। मैं किसी का विरोध नहीं करती हूँ, मैं किसी नेताओं का विरोध नहीं करती हूँ, विरोध के भाव से मैं बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे आज जो देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, पेपरों में पढ़ने का मिल रहा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, आखिर में ये धोखा क्यों? हमारा समाज का बंदा है, इसलिए मैं बड़ी स्पष्ट खुले शब्दों में कर रही हूँ कि मन साफ करके आना चाहिए, बहुजन समाज को आज़ाद कराने के लिए वफादारी के साथ सबको खड़ा होना चाहिए, तभी हम बहुजन समाज को बचा पाएंगे, तभी हम संविधान को बचा पाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारा समाज बहुत पीछे हो जाएगा। अच्छा, एक हमारा आखिरी सवाल है, संविधान बचाओ और भाजपा हटाओ को लेकर और जो है 2022 के चुनाव को लेकर ये युवाओं का क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि अगला भविष्य हमारे युवाओं का है। अगर हमारे युवा समय रहते जागे नहीं, चेते नहीं और कहीं बीजेपी को नहीं रोक पाए 2022 में, तो हमारे युवाओं का बहुत भविष्य खतरे में होगा। आज के तारीख में समय है, समय की पुकार है कि युवा सभी एकजुट होकर के अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपनी आज़ादी को बचाने के लिए, अपने को सुरक्षित रहने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रहने के लिए, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए सबको अब एकजुट होकर के और बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहिए। बीजेपी बहुत बारीकी से हमारे युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया है, सारा रोजगार छीन लिया, सारी जो आरक्षण के तहत हमारे लोगों को नौकरी मिल रही थी सारी नौकरी खत्म हो गई, सारा रोजगार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म होकर के और हमारे कानून को भी बहुत बारीकी से समाप्त कर दिया। ऐसी स्थिति में अगला जो भविष्य है हमारे बहुजन समाज के युवाओं की भविष्य है, इस युवाओं में मैं भी आती हूँ। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी अपने युवा भाइयों बहनों से यही अपील करूँगी कि सब लोग एकजुट होकर के 2022 में बीजेपी को रोकने के लिए सबको एकजुट हो जाना चाहिए, सबको साथ आना चाहिए और विकल्प तलाशना चाहिए। आज बीजेपी का विकल्प कौन है? बीजेपी के विकल्प के रूप में हम सभी बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होकर के और 2022 में बीजेपी को रोककर बहुजन समाज की सरकार बनाना होगा। इसके लिए मैं सभी बहुजन समाज के युवाओं से यही अपील करूँगी।